तो मेरे वीडियो आप लोग देखो अच्छे से, यहाँ से आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा, बिकॉज एवरी डे आई विल डिस्कस अबाउट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन से भी हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटलीस्ट 8 साइंटिफिक नेम, एंड हियर यू कैन सी द 1 to 3 साइंटिफिक नेम, एंड दीज आर ऑल गिवन इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जाम, ओके, 2019-2017। सो फर्स्ट वन इज क्या है, ये आपका इंडियन जिनसेंग 2017-19 में है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन जिनसेंग, INDIAN GINSENG, और इसका लोकल नेम है अश्वगंधा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम हो गया आपका विथानिया सोमनिफेरा, WITHANIASOMNIFERA, ठीक है। ये अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, यू शुड हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो नेक्स्ट साइंटिफिक नेम है, एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2018, कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। हियर आई हैव रिटन दैट साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी इज ओसिमम सैंक्टम, ओके, ओसिमम, OCIMUM SANCTUM, एंड अगेन यू एवरी टाइम यू हैव टू राइट क्लियरली और करेक्टली, कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसके नीचे हम लोग को क्या करना है, अंडरलाइन करना ही, नहीं तो हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। According to the binomial nomenclature, we have to underline, we have to write the scientific name when we are going to handwritten, तो हम लोग को कार्सिक वर्ड में लिखना है। Next, carbonic का scientific name है आपका HS 2018 में आया था, ठीक है। ये भी एक medicinal plant है, botanical plant है, इसका scientific name है Andrographis paniculata, ANDROGRAPHIS PANICULATA, ठीक है। So, write down the scientific name, okay? Next, I will discuss about again 3 scientific name, okay? Write down the scientific name, or you can screenshot if you want, okay? So, the next one is Bahaktita, ठीक है? इसका local name है Bahaktita, और इसको तिता फूल भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है? Medicinal फ्लावर और बोटानिकल फ्लावर भी बोल सकते हो, तीताफुल को एक ओखोमियन बाहक तीता बोली बोल, एंड इट इज देखा, इट इज रेड इन कलर, द फ्लावर इज रेड इन कलर, ठीक है। द शेप ऑफ द फ्लावर इज लुक लाइक जस्ट दिस इज द शेप एक्चुअली, एंड इट इज द रेड रेड कलर होता है, ठीक है। एंड वो हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को याद रखना है साइंटिफिक नेम, दिस इज वेरी टफ, ओके। अगर ये याद रखोगे तो एग्जाम में आएगा, एग्जाम के लिए इजी होगा। तो इसका बाहुकिता का साइंटिफिक नेम है फ्लोगेकेंथस थाइसिफॉर्मिस, ओके, फ्लोगेकेंथस थाइसिफॉर्मिस। सेकेंड वन 2019 में आया था, एच एस 2019 में आया था, ठीक है। सिसु का साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ सिसु, एंड इट इज डनबर्गिया सिसु, DALBERGIASISSW, ठीक है। इसका स्पेलिंग मैंने भूल गया था, ठीक है, आप लोग लिख लो, कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है ये मार्कर पेन से लेकर, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है PHLOGACANTHUS, देन THYRSIFORMIS, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज टी 2020 में आया था, ठीक है। 2020 का जो फाइनल एग्जाम था उसके बाद से लेकर अभी तक कोरोना का ये महामारी चल रहा है, ठीक है, कोरोना का ये प्रॉब्लम चल रहा है। इन लोगों ने एग्जाम दिया, मुझे अच्छे से याद है, इन लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम देकर घर पे चला गया, जो लोग हॉस्टेलर्स था, उसके बाद ही कोरोना का ये बंद पूरा आज तक है। अभी आप लोग फंस रहे हो, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो कैसे होगा, अभी आज बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा, ठीक है। ये छोड़ो कि टी का साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिना साइनेंसिस, स्पेलिंग है CAMELLIASINANSINENSIS, क्लियर। सो टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट एटलीस्ट 6 साइंटिफिक नेम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, and then you can proceed to the next scientific name, and now in my hand there are 2 scientific name in my hand, I will discuss with you, okay. And the next scientific name, next ye aaya tha 2020 mein aaya tha,
कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जूट, असामीज में बोलते हैं जूट को, असामीज में बोलते हैं मोड़ापाट। ओके, तो मोड़ापाट का साइंटिफिक नेम हमें जानने को लगे, वी शुड नो अबाउट द साइंटिफिक नेम। ओके, तो साइंटिफिक नेम ऑफ मोड़ापाट और जूट इज कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ठीक है, सी ओ आर सी एच ओ आर यू एस सी ए पी एस यू एल ए आर आई एस। क्लियर, डन। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सर्पगंधा एंड इट वॉज केम इन द ईयर 2016 का फाइनल एग्जाम में आया था। सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, तो सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम के बारे में जो हमारा टेक्स्ट बुक है बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ असम जो चैप्टर है उसमें उसका साइंटिफिक नेम ऐसा है आर ए यू डब्ल्यू ओ एल एफ आई ए सर्पेंटिना एस ई आर पी ई एन टी आई एन ए। लेकिन जब भी हम लोग नेट खोल कर नेट में अगर हम लोग सर्च करके देखेंगे तो नेट में राउंड फेयर का स्पेलिंग थोड़ा अलग करके देखे रखा है कि आर ए यू वी ओ एल एफ आई, लेकिन टेक्स्ट बुक में है आर ए यू डब्ल्यू ओ एल एफ आई। अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हो आर ए यू डब्ल्यू ओ एल एफ आई, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना, तो वी हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये भी और भी लिख सकते हो, ये भी लिख कर आ सकते हो, तब भी आप लोगों का मार्क्स नहीं कट कर सकता है। सो फिलहाल यहीं तक हम लोगों का साइंटिफिक नेम खत्म हुआ। विद इन दिस सेकेंड वीडियो वी हैव लर्न्ड अबाउट एटलीस्ट 15 टू 16 साइंटिफिक नेम, बिकॉज इन माई फर्स्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट 7 साइंटिफिक नेम एंड इन दिस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 8 साइंटिफिक नेम। सो टोटल साइंटिफिक नेम वी हैव लर्न्ड अबाउट एटलीस्ट 7 प्लस 8 15 साइंटिफिक नेम वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड। ओके, एंड ये वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट 15 साइंटिफिक नेम के बारे में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि कॉमन आएगा ही आएगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम के बारे में एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स हर एक फाइनल एग्जाम में आता ही है। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोसीड बाय द फुल फॉर्म की बायोलॉजिकल टर्म का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारा एग्जाम फाइनल एग्जाम में फुल फॉर्म के बारे में भी बहुत आता है, एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स आता है। एज फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, आई एम ऑलरेडी डिस्कस इन माई फर्स्ट क्लास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट इज एससीपी। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जितना सारा फुल फॉर्म्स है प्रीवियस ईयर्स में आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा चीफ मिनिस्टर सर ने बोल ही दिया है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन फ्रॉम अगेंस्ट वन क्वेश्चन देर आर 4 ऑप्शन एंड वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन, ठीक है। तो हम लोग जितना सारा ऑप्शनल क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे और जितना सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक है, उसके अंदर से भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेरी क्रूशियल डेज आर रनिंग एंड कोरोना भी चल रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोगों के पास वी हैव फ्यू डेज इन आवर हैंड फॉर द फाइनल एग्जाम, बिकॉज टुडे इज 10th जून एंड इन दिस मंथ वी हैव 20 डेज एंड इफ एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 15 टू 20 जुलाई देन you have to study very hard, okay. So in my next video I will discuss about the full form of biological term. So till then you have to keep your study very hard and hum log next class mein milte hain. Thank you so much.